करंट अफेयर्स, उन सबको आपको पहले अपने पक्के करने होते, तो वो करंट अफेयर्स न्यूज़पेपर तो डेली चलेगा ही चलेगा, बट अगर बेसिक्स ही नहीं है तो आप एडवांस बुक्स तो नहीं कर सकते। Hi, myself Yukti, Masters in Political Science, and currently I'm working with Plutus IAS as a career psychologist. So today I'm here to discuss a most important question asked by the aspirant. तो आज की जो हमारी वीडियो रहेगी वो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक में डिस्कशन रहेगा जो बहुत से एस्पिरेंट्स ने पूछा है, इवन वो इस डाउट में भी रहते हैं। तो आज की जो वीडियो है, आज की वीडियो का जो टॉपिक है वो इज वन ईयर इनफ फॉर यूपीएससी, मतलब कि एक साल की प्रिपरेशन इनफ है यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए है या नहीं, कि मैं क्रैक कर पाऊंगा या मैं क्रैक नहीं कर पाऊंगी। तो आज हम इस वीडियो में यही डिस्कस करेंगे। तो लेट मी क्लियर यू वन थिंग कि अगर हम एक नॉर्मल एवरेज स्टूडेंट का भी एनालिसिस करें तो वो 11 टू 12 मंथ्स के ड्यूरेशन में प्रॉपर अपनी प्रिपरेशन करेगा, रिवीजन करेगा, देन उसके बाद वो अटेम्प्ट देता है। अगर हम दूसरा पॉइंट देखें, अगर हम टॉपर्स का एनालिसिस करें तो वो 7 to 8 मंथ्स में अपनी वो प्रिपरेशन करते हैं, रिवीजन करते हैं, अटेम्प्ट देते हैं, देन रिजल्ट आता है। तो एक चीज है जो मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, जो आपका एक टिप्स एंड टेक्निक्स की तरह काम करेगी, कि ये नहीं है कि हाँ उसने 8 मंथ्स में कंप्लीट करा, मैं 12 मंथ्स ले रही हूँ, शायद मेरे में ही कोई कमी होगी। नहीं, आपका जो पहला एक जो पॉइंट रहता है वो रहता है टाइम टेबल एंड स्केड्यूल, कि आप चीज़ों को मैनेज कैसे कर रहे हो। ये नहीं कि हाँ 1 घंटा मैंने पॉलिटी पढ़ ली, 1 घंटा मैंने हिस्ट्री पढ़ ली, चलो आज के लिए बहुत हो गया, ऐसा नहीं होता। आपका जो पहला एक पॉइंट रहेगा, आपको एक टाइम टेबल बनाना है, एक स्केड्यूल बनाना है। अगर हम टॉपर्स का एक एनालिसिस करें जो कि वो एक टाइम टेबल एंड स्केड्यूल के अकॉर्डिंग चलते हैं, ऐसा नहीं कि हाँ वो 17-17 घंटे पढ़ रहा है तो उसका हो गया, मैं दिन के 6-7 घंटे दे रही हूँ, मेरा नहीं हो पा रहा। नहीं, आपका टाइम टेबल एंड स्केड्यूल नहीं है। आप जब तक अपना एक स्केड्यूल नहीं बनाओगे, एक टाइम टेबल नहीं बनाओगे कि हाँ इस टाइम पे मुझे हिस्ट्री पढ़ना है, इस टाइम पे मुझे पॉलिटी पढ़ना है, इस टाइम पे मेरा लंच है, इस टाइम पे मैं रेस्ट करूँगी, तो आपकी प्रिपरेशन के लिए जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो रहती है आपका स्केड्यूल। सेकेंड पॉइंट जो रहता है रेलिवेंट स्टडी मटीरियल जो आपके काम आते हैं। जैसे आपने मार्केट में भी देखा होगा कि हाँ बहुत सी अलग अलग बुक मिल रही हैं, इसमें क्या होता है स्टूडेंट एक कंफ्यूजन में आ जाता है, यार पॉलिटी के लिए ये भी ले लेता हूँ, इसको भी ले लेता हूँ, वो वाली बुक भी ले लेता हूँ, बट नहीं, आपका जो मैटर करेगा स्टडी मटीरियल होता है। इसमें आपको क्या करना होता है, ये नहीं कि आपने सारी बुक्स ले ली है और उसको पढ़ रहे हो, समझ रहे हो, खत्म हो गई। नहीं, इससे क्या कंफ्यूजन क्रिएट होती है। आप हिस्ट्री के लिए बिपिन चंद्रा लो, सतीश चंद्रा लो, पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत लो, एक अकॉर्डिंगली पढ़ोगे तो चीजें होंगी ना। ऐसा तो नहीं है ना कि एकदम से उठा लिया, पढ़ लिया, खत्म हो गया। पहले अपने बेसिक्स क्लियर करने होते हैं, जिसके 6 to 12 की आपके एनसीईआरटी, न्यूज़पेपर, करंट अफेयर्स, उन सबको आपको पहले अपने पक्के करने होते, तो वो करंट अफेयर्स न्यूज़पेपर तो डेली चलेगा ही चलेगा, बट अगर बेसिक्स ही नहीं है तो आप एडवांस बुक्स तो नहीं कर सकते। तो सेकंड पॉइंट जो रहता है रेलिवेंट स्टडी मटेरियल। आपका जो थर्ड पॉइंट रहता है वो गाइडेंस, मेंटोरशिप, कि आप अपने आप को मोटिवेट कैसे रख रहे हो। ऐसे नहीं कि आज मैंने सोचा है कि आज मुझे करना है, आज मैं पढ़ रही हूँ, दूसरे हफ्ते भी पढ़ रही हूँ, तीसरे हफ्ते भी पढ़ रही हूँ, और फोर्थ वीक ऐसा हो गया कि यार अब मैं थक चुकी हूँ। अगर आप एक यूपीएससी की जर्नी में जा रहे हो, आपने सोचा है कि मुझे अपने इस ड्यूरेशन में क्लियर करना है, तो उसके लिए सीरियसनेस, डिवोशन काम आएगा। तो आपको उसके लिए पहले सीरियस होना पड़ेगा, कंसिस्टेंसी होती है कि हाँ मैंने आज इस टॉपिक को करा है, नेक्स्ट मुझे इसकी पहले रिवीजन करनी है, देन मुझे उस नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करना है। तो थर्ड जो मेजर पॉइंट रहता है वो आपका रहता है सीरियसनेस रहता है, कि आप कितने सीरियस हो अपनी स्टडीज के लिए। फोर्थ पॉइंट जो रहेगा आपका राइट अप्रोच। ये अब जैसे सेकेंड पॉइंट मैंने आपको बोला स्टडी मटीरियल, नहीं अब स्टडी मटेरियल चलो बेसिक्स भी हो गए, आप सोच रहे हो चलो मैं लक्ष्मीकांत पढ़ लूँ, अब मैं उसको करके ख़त्म करता हूँ, बट नहीं, ये नहीं कि हाँ बुक लाए, पढ़ा, समझा, इसे कर दिया, हो गया। नहीं, एक अप्रोच होनी चाहिए। आप जब भी अपना लाइक पढ़ो तो उसको समझो, फिर उसका खुद में एक नोट्स बनाओ, देन दूसरा टॉपिक स्टार्ट करो, फिर आप उसके नोट्स बनाओ। इससे क्या होगा, आपकी एक हैबिट होगी,
लिखने की भी एक हैबिट होगी, तो एक राइट अप्रोच भी बहुत मैटर करती है आपकी यूपीएससी की प्रिपरेशन में। तो आज की वीडियो के लिए यही, अपने आप को मोटिवेट रखो, मोटिवेशन सेशंस अटेंड करो। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।